की भी क्या हो रही है। आज मेरी बहन ने मुझसे एक झूठ बोला, झूठ बोल के पार्टी में चली गई थी और अभी तक झूठ पकड़ा गया तो ये हमें मनाने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि झूठ बोला है तो हम इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे, तो हम लोग इसलिए बहुत हर्ट हैं। और किसी ने इसके ड्रिंक में कुछ मिला के इसको नशा कर दिया है, तो उस चीज़ को लेकर तो मैं बहुत ही अपसेट हूँ कि मैंने इतने प्यार से माला पोसा बड़ा किया, इतने संस्कार दिए और झूठ बोला तो मैंने सिखाया ही नहीं है, तो मेरे लिए तो झूठ बोल के पार्टी में ही जहाँ जाके इसने शराब पी थी और ऐसे लिबास में है ये, तो इसको वहाँ से पकड़ के लाए हैं हम, ऊपर से मनाने की कोशिश करे तो मान नहीं रहे, क्योंकि झूठ बोला था इसने कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ कंबाइंड स्टडीज़ के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए मैं भी रो रही हूँ, बहुत हर्ट हूँ कि क्या फर्स्ट टाइम मैं सोनी की बहनों के लिए और बहने के लिए भी कि फर्स्ट टाइम अपनी दीदी इतनी बड़ी झूठ बोल रही है कि वो पार्टी में नहीं गई और गई थी, अभी क्या कर सकते, मनाना ही काम है। लेकिन झूठ बोला ही झूठ, एक्चुअली मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे हिसाब से जो अंजलि का कैरेक्टर है शी इज़ वेरी लाइक, उसको बहुत रिच चीज़ें एंड पार्टीज ये सब चीज़ें का बहुत शौक है, तो उसको नहीं मिलता बिकॉज वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, अट्रैक्ट करती वो चीज़ें मुझे, बट वो सब चीज़ें भी यहाँ मुझे मिल रही थी कि ससुराल में मिल रही, सो एब्सोल्युटली वो बात है कि मैं उस चीज़ में लग जाऊँगी, तो उसी बहाने मतलब मैं मुझे पता था मैं दीको बोलूँगी तो अफकोर्स वो मना ही करेगी, वो कभी जानी नहीं देगी, पार्टी पागल होगी क्या, वो भी बिना बता के तो बहुत बड़ी बात होगी, बट हाँ वही मुझे लगा कि दी मुझे डांटेगी नहीं जाने देगी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोला, बट ये मुझे नहीं पता था कि मैं पकड़ी जाऊँगी और इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो यार सब एक दी तो जो इसकी एज है उस एज में लोगों को पुश करना बहुत आसान हो जाता है, तो इसको हमारे घर में कुछ लोगों ने बहुत चाबी भरी है कि बेटा जाओ जीरो दिमाग किसी खाया, तुम्हारी उम्र है ऐश करने की, घूमने फिरने की, पार्टीज करने की, तो मेरी बेचारी भोली सी बहन उनके जाल में आ गई और अब कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई है। लेकिन ड्रेस में क्या गलत है, बस तो ड्रेस में कोई गलती नहीं है, बस गलती थोड़ी सी गलती है कि थोड़ी सी ऊपर है। नहीं अगर सोनिया की बहने मतलब अंजलि ने आई थिंक अभी तक इतना नहीं पहना होगा, मतलब उसने पहना है, वो घर में भी नॉर्मल पहनती है, बट पार्टीज में जाके ये सब करना और ऐसे कपड़े पहन के जाना मतलब सोनिया के लिए और बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इससे मेरा भरोसा तो भरोसा झूठ बोल के गई, वो भी कैसी पार्टी में जाए शराब भी पी रही, ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको लगता है कि मैंने कुछ तो किया। लेकिन आजकल वो जो आइटम सॉन्ग चल रहे हैं उसमें तो बहुत इससे भी ज़्यादा छोटे कपड़े पहनते हैं, तुम्हें कैसे लगते हैं? हमारे संस्कार नहीं है आइटम सॉन्ग वाले, मेरे पास तो चादर नहीं थी वरना उड़ा के इसको अंदर लाती, तो मैं गुस्से में आई हूँ, उसके जीजू ले आए इसको ऐसे। चलिए तो कैरेक्टर की बात है, एज अ ह्यूमन बीइंग आप वो जो कपड़े पहनते हैं आइटम सॉन्ग में उसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आती है तुम लोगों को? इफ दे आर कम्फर्टेबल सो हमें किसी इंडिविजुअल चॉइस है, हाँ सबकी अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग माइंड है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे शो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी एक एनजीओ ने डिमांड की है कि जो आइटम सॉन्ग करती हैं लड़कियाँ उनको प्रोस्टिट्यूट का दर्जा दिया जाए, इस तरीके से है, तो ये तो कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं चले गए वो लोग? किसी के बारे में पर्सनल कमेंट ना हम कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं, सब एक एज एन इंडिविजुअल सबकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है, और आई डोंट थिंक आइटम सॉन्ग करना कोई गलत बात है। हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग ना, आई थिंक आई डोंट नो, तो इसमें हम तो कुछ बोल नहीं सकते, नहीं नहीं आपके पर्सनल व्यू क्या है? पर्सनल व्यू क्योंकि आप एक्टिंग फील्ड में हो सकते हैं, आप फिल्म में आपको भी चांस मिले या फिर आप करना चाहें? हाँ व्हाई नॉट, डिपेंड करता है कि मैं क्या पहनना चाहती हूँ, आइटम सॉन्ग से कोई परहेज नहीं है, तो हाँ कंफर्टेबल आपको होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो तो फिर ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर मत करो, वो आपके ऊपर होता है ज़्यादातर जो कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं बिकॉज मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आज ये आइटम सॉन्ग का नाम दे दिया गया है, आइटम गर्ल का नाम दे दिया गया है, लेकिन ये तो बहुत पहले से बिंदु और जो है बहुत पहले से करते हैं, तो इश्यू बनाया जाए तो बन सकता है, ना बनाया जाए तो नहीं बन सकता है। तुम इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़े? बिल्कुल उनके साथ ही खड़े, हम इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के साथ खड़े। थैंक यू, थैंक यू।